अनिल भैया अभी क्या क्या खत्म हो गया, सीरियस है, खत्म हो गया आगे सांसद क्या क्या अपनी भाई भैया अरे कम से कम डॉक्टर बैठे सही जानकारी दो पेशेंट को अटेंडर को भाई आपका पेशेंट यहाँ है एडमिट है आपके पेशेंट भी यही पेशेंट है बिगड़ रही है नहीं बिगड़ रही है तो भाई के लिए बोल रहा है यार अच्छा तो प्राइवेट करवा लेते बिगड़ रही है आप ये पेशेंट तो कैसे प्राइवेट करवा लेते 500 लोग निकल रहे हैं यार आदमी का जी कह रहा मर गए वो तो अरे सर काउंटर पे अभी कहते हैं भवानी सिंह के नाम का कोई नहीं है व्यक्ति अभी चाहे कोई यही नहीं है जानकारी दी है उनकी लिस्ट में नहीं है मुझे आपकी सब नाम रजिस्टर पर लट के देखो 10 तारीख का एडमिट है 10 तारीख का एडमिट तो हो गया जब वैक्सीन लगने के बाद ये एकदम से ये पोजीशन काटे लगा रहे वैक्सीन आया है गाली नहीं चला सुन भाई मारे गाली थोड़ा इधर आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ इतने लोग खड़े हैं कोई नहीं कह सकता सारे लोग खड़े हुए यहां पे इधर आप ऐसा अटेंडर पे हाथ उठाया कौन नहीं उठा था कौन नहीं उठा कौन है कौन है सर लड़की के रंग पत्ते भी लिख दिए विश्वास रखिए नहीं उठाया इसके रंग पत्ते भी करिए लड़की के रंग उन्होंने हमारे इनके पिताजी इधर आ जाओ हमने हमें बताया 1:30 बजे अभी तक बताया मैंने आपको हाँ झूठ बोल रहे हैं निकालो कैमरा उसको लेडीज को लगाया है लेडीज को बिल्कुल गलत है अभी वो लेडीज का वो खा रही है गर्मी मैं नहीं खा रहा हूँ गर्मी मेरी मदर सुबह 7:30 बजे की हिस्सा में 7:30 बजे मेरे को कॉल किया कि अपनी मदर की बॉडी ले कोरोना हुआ था मैं यहाँ के बराबर खाना पीना सुबह शाम दे रहा हूँ जा रहा है अभी कह रहे हैं एक्सपायर हो गए मतलब कोई वही नहीं है तो बॉडी नहीं कुछ बता नहीं रहे हैं अब तो सब गायब ही हो गए वहाँ से हाँ कोरोना हुआ था मुरारा हॉस्पिटल में एडमिट किया था रात को बीरेन सिंह चौहान एक्सपायर हो गए हैं सवेरे 10 बजे फ़ोन आया था उसके बाद हमारे पेशेंट का पता ही नहीं कहाँ है सर मेरी मदर एंड मंथ भर्ती थी सासू जी मेरी 7-8 दिन से यहाँ पे आज सुबह 7:30-8 का फ़ोन आया कि बोले आपकी एक्सपायर कर गई तो हम डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं और तब से भटक रहे हैं 8 बजे से लेकर अभी 12-2 बजे का टाइम हो गया कोई सुनवाई नहीं पता ही लग रहा है कि ख़त्म हो गई है नहीं है या जो भी हमको बता दें कि भैया आपको 2 बजे मिलेगी 4 बजे मिलेगी कल मिलेगी बॉडी हम उस हिसाब से व्यवस्था करें आप जब से भटक रहे हैं सुबह से कोई सुनने वाला नहीं दिए जाने के कोई निर्देश नहीं है शासन द्वारा निर्देश नहीं दिया गया है कि मरीज के अटेंडेंट को कोविड वार्ड में अलाउ किया जाए अगर मरीज के अटेंडेंट को कोविड वार्ड में अलाउ करेंगे तो उनको भी कोविड होने का खतरा है इसलिए उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है रही बात जानकारी की तो ICU में जितने मरीज हैं उनके परिजनों को जानकारी दी जा रही है ICU के बाहर के जो मरीज हैं उनके परिजनों को वो डायरेक्ट फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं नहीं डेड हाउस के इंचार्ज दूसरे हैं उनसे बात करके पता करना पड़ेगा डेड नंबर कॉल आ रहे हैं एक ही नंबर 3-3 पेशेंटों पर गया हुआ है वो यहाँ से नहीं होता है वो यहाँ से नहीं होता है उनके पेशेंट का कोई पता नहीं जो आप बता रहे हैं रिपोर्ट की बात एक ही पेशेंट का 3 पेशेंट नंबर वो यहाँ से नहीं होता है आगे से ऐसी भविष्य में क्या व्यवस्था करेंगे जिससे मरीजों के परिजनों को सेटिस्फाई रहे नहीं व्यवस्था पूरी है ICU के मरीज जितने भी हैं उनको डेली जो है हमारे यहाँ से कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है ICU के बाहर जो मरीज हैं उनको जानकारी उनके परिजन खुद फ़ोन करके ले सकते हैं ये समस्या जो थी कि 3-4 परिजनों के उन्होंने बताया कि डेड बॉडी रखी है और हम लोग काफ़ी देर से परेशान हैं तो उसमें अभी तक चार लोगों ने ऐसा मेरे को बताया कि सुबह से खड़े हैं और एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है एम्बुलेंस का पता किया तो ऑलरेडी वो 4 डेड बॉडी को लेके शमशान गई है अगर एम्बुलेंस 1 की जगह 2 हो जाए तो ऐसी व्यवस्था क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मतलब डेड बॉडी की वेटिंग के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी समय पड़ रहा था नई बात सामने आई है तो हम जो है वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे।